पाकुड़ में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली है और इसमें अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अमर कुमार बावरी शामिल हुए। उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर हेमंत सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार चाहती है कि सत्ता उसके पास रहे, इसे लेकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अभी जो बातें आज अखबार में जो सामने आई है वो बहुत निराशाजनक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार लगातार जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो या फिर नगर निकाय के चुनाव हो, ये जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है उससे लगातार पीछे हट रही है। सत्ता को अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि सत्ता उनके केंद्र में रहेगी, वो सत्ता उनके हाथ में रहेगी तो भ्रष्टाचार करने में उसको सहायता मिलेगी। ये कोई मतलब नहीं है। ये आरक्षण रोस्टर म्युनिसिपैलिटी में जो लागू है उसके तहत सभी जगह दिया गया। अब रांची में मेयर का पद SC को रिजर्व हो गया, इसलिए चुनाव नहीं होगा और इसमें सरकार का समर्थन है, तो ये लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार जो है एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है और इसका जो है दलित विरोधी चेहरा जो है सामने इसका उजागर हो रहा दिख रहा है। हम सब लोगों को लगता है ये खाली और खाली यह एक बहाना है। असल में भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार का करने के लिए, जो भ्रष्टाचार में जो भी जो सारी सत्ता उनके हाथों में है उसको करने के लिए ही। जमशेदपुर महानगर भाजपा शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालेगी, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के अलावे हजारीबाग के पूर्व सांसद जयंत सिन्हा, सांसद विद्युत रण महतो, पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत कई नेता शामिल होंगे। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान महानगर जिला अध्यक्ष कुंजन यादव ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे राज्य में वर्तमान सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को जमशेदपुर नगर के कोने कोने से लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। यह जन आक्रोश यात्रा आम बगान से लेकर जिला मुख्यालय तक आयोजित की गई है। जब से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, RJD की सरकार बनी है, तब से राज्य में भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल बन चुका है। लोग भय की जिंदगी में जी रहे हैं, लोग भूखे जीने को बेबस हैं और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। इस राज्य में राज्य की बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन उनकी इज्जत सड़कों पर नीलाम होती और यह सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद में डूबी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम के तहत 25 तारीख शुक्रवार कल भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आम बगान में जुटेंगे और हुंकार भरते हुए पूरी ताकत के साथ DC मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का